हाँ मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन अमेंडमेंट एप्लीकेशन फॉर वांट ऑफ सिग्नेचर खाली कर रिजेक्ट कर दी जाएगी। अभय जी आज क्या कार्रवाई हुई है बता दीजिए यार। अभय जी कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है? अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर सबके हस्ताक्षर नहीं थे, उस पर हम लोगों ने आपत्ति किया, सब लोग हस्ताक्षर करें, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने इस बात को माना कि इस पर हाँ दो लोगों के हस्ताक्षर नहीं है, अब वो लोग या तो किसी उन दो लोगों की तरफ से अधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर करावें, या अगर नहीं करावेंगे तो हम उनकी अमेंडमेंट एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। आज कोर्ट में क्या हुआ? देखिए एज एक संशोधन की दरख्वास्त लगाई गई थी छोटी सी, एक अल्फाबेटिकल मिस्टेक के चलते, वो भी कोर्ट था एक जजमेंट का, तो उसको लेकर के इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन क्योंकि वो कोर्ट ही जजमेंट का, वो एग्जिबिट में मेंशन भी करेंगे, तो उस एरर का कोई मेंटेनेबिलिटी नहीं बनती थी। एक साइन को लेकर के डिस्प्यूट किया गया कि पांचों वादी की तरफ से साइन होना चाहिए था, दो की तरफ से नहीं किया गया है, तो वादी क्योंकि विकास शाह मौजूद थे कोर्ट में, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि हमने ऑथराइज़ किया हुआ है किरण सिंह को अपने यहाँ पे साइन करने के लिए, वही ऑथराइजेशन विकास शाह ने भी लैंड किया हुआ है किरण सिंह के फेवर में। तो उस सबमिशन के साथ में संशोधन को लेकर जो ऑर्डर आना है वो आएगा, उसके साथ डेट आएगी, और जो तत्काल पूजा की इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन हमारे द्वारा मूव की गई है उस पर कब सुनवाई होगी, कौन कौन जवाब लेकर के आएगा, कब आर्गुमेंट होगी, कब कंक्लूजन होगा, उसका आज के 4 बजे के बाद हम कह सकते हैं ऑर्डर आएगा।